और जनता लोगों एंड आ चुके हैं आज के नेता लोगों के। तो आज बिल्कुल आग लगाने वाले हैं यार। आज हमारा है मतलब आज हमारे छोटे भैया हैं, मतलब छोटे भैया हैं ओके, जिनका नाम है चिंटू प्रसाद। थोड़ी बात कर लेते हैं भैया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में? हेलो 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 ज़्यादा और मैं और एक मत कर, धन्यवाद। तो तब तक यार थोड़ा भैया जी थोड़ा खा पी ले हमारे घर पे, तब तक हम लोग बंदों को खिला पी लेते हैं ओके। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे बंदे थे, 3-4, तो उनको लटकाते हैं, फिर भैया से बात करते हैं। तो मैं 2-3 बंदों का वेट कर रहा था, देखो कैसे लटकाते हैं सबको। बड़े बड़े कितना होना इसमें भी मारा है भाई इसको मैंने। और भाई इनके 3 बंदों को तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली नॉक कर लिया भाई, मतलब मजे आ गए ओके। तो इनको यार पूरा करने वाला हक भी हमारा बनता है। एंड यहाँ पे बस ये मेरे ख्याल में लास्ट बंदा होता है इनका, और देखो कैसे मारते हैं। और चारों को पहला, और ये 1v4 स्काउट हो गया पूरा। एंड तुम लोग बताओ कैसा खेल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल मजे की तरह ना। और इस गन का हमने नाम रखा है लुल्ली गन ओके, तो लुल्ली गन है अभी ओके। और एक गेम से जो भाई तबाही मचाई है गाइस, ये वाले गेम में लास्ट में एक हैकर भी मिलता है और बहुत सारे किल किए भाई, बहुत सारे। अब भैया जी को बुलाएं हम या और बंदे मारे? रुको थोड़ा भैया जी को करते हैं इशारा हम। भैया जी, ओ भैया जी भाई, मतलब ये शॉट देकर लाइक नहीं किया तो भाई, मतलब भाई इतना दूर से एक गेम भाई हमारा ही चाहता है भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। और भी प्रो प्लेयर हैं हमारे जैसे। भैया जी थोड़ा आप वॉइस ओवर करेंगे? चलो बेटा अब तुम इतना भूल ही रहे तो हम कर लेते हैं वॉइस ओवर। चलो अब तुम्हें बताते हैं कैसे करते हैं वॉइस ओवर, ऐसे करते हैं भाई। इसको सस्ते में से मारने के बाद हमने ऐसे इसको मारा कि मतलब इसके हाथ पाथ सारे हिल गए भाई। और देखो भाई ऐसे खेला जाता है, ऐसे वॉइस ओवर खेला जाता है। एनिमी डाउन, ये बॉट चाचा हमसे भी प्रो थे तो यार सॉरी। तो ये देखो, और वहाँ पे हमने 3-4 बंदे छोड़े तो उनको भी खड़काएंगे और बड़ा मजा लेंगे ओके। और तुम लोग यार टोटल के वॉइस ओवर से बहुत नो बड़ा है, वो सस्ता वॉइस ओवर करता है और तुम लोग कहते हैं भाई वॉइस ओवर भाई ऐसे करता है, वॉइस ओवर ऐसे करता है। भाई इन दोनों को लटकाया एंड बड़ा मजा आया ओके, ऐसे वाला सीन है बिल्कुल। एंड हमारे 18 किलो हो चुके हैं भाई। चलो अब हम उनको थोड़ा सिखाते हैं कैसे किया जाता है वॉइस ओवर। एंड ये लास्ट बंदा है देखो, वो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है भाई, घर जाएगा क्या भाई? तो मरने की ज्यादा जल्दी है भाई, 9 किल कर दिया भाई बैठा बैठा भाई आपके भाई ने। यार मतलब चिंटू भाई तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो यार, हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, मतलब हम आपके बड़े भाई हैं, तुम बेइज्जती कर रहे हो यार, गजब गजब इंसान हो यार। और गाइस आज जो यार मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था यार, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वॉइस ओवर कर रहे हैं फिर भी ओके। तो चिंटू भाई भी हमारे साथ है, वो भी थोड़ा हमारा हाथ वाट पटाएंगे। एंड सामने 1-2 बंदे थे तो उसको देखो कैसे मारते हैं, तो उसको ज़्यादा डैमेज दिया। तो यार ये मेरे को गाड़ी लेने नहीं दे रहे थे तो मैं इनको थोड़ा डैमेज दिया, फिर मैंने गाड़ी लिया, फिर मैंने इनको मारने का ट्राई किया है। फिर मज़े ले रहे हैं भाई, मतलब मौसम इंजॉय है। इसके बाद मैंने रश मारने का ट्राई कर लिया और देखो कैसे मारते हैं इनको भी।
और यार यही बंदा हैकर है भाई, मतलब और यही बंदा बहुत खतरनाक हैकर होता है, और तुम लोगों को पता नहीं कैसे वो मेरे को मारेगा, मतलब मैं उसको कैसे मारने वाला मुझे पता है। ओके तो यही बंदा है हैकर जो मतलब एक खतरनाक मेरे को तरह मारेगा, मतलब मैं ही इसको मारूंगा, बट देखो कैसे टेक्निक के तरीके से हमने भाई मैं कैसे बचाऊँ वो तो मेरे को ही पता है। ओके तो इसके बाद मैंने सोच लिया भाई अब यहाँ से भागो भाई, इतना तो मैं सोच चुका था यार भागो। फिर मैंने थोड़ा यहीं पे थोड़ा दिमाग लड़ाया कि भाई अब मैं इसको मारूँ या बचूँ अपने आप को, क्योंकि यार 11 किलो हो चुके और मेरे को वीडियो ख़राब भी नहीं करना था और अपने आप को चिकन भी निकालना था। तो इसके बाद फिर मैंने साइड में थोड़ा मतलब मैं पीछे हट गया, क्योंकि यार उसका जो मतलब जिस तरह से उसके पास गन थी ना भाई, मैंने लगा यार मार सकता है वो बंदा। ओके पहले तो मेरे को हैकर नहीं लगा, बट उसके बाद तुम लोगों को पता चल जाएगा कैसे हैकर है वो बंदा। ओके इसका स्प्रे हैक है भाई और कुछ भी नहीं है वो, और आगे जाके पता चलेगा क्या सीन है इसका। तो इसके बाद मैं भागा चला गया भाई, और यहीं पर देखो कैसे हम लोग स्प्रे मारते हैं भाई इन बंदों पर। भाई 1-1 ने एच भी छोड़ा है सबको। इसके बाद मैंने सोच ही जा रहा है इस बंदे ने साइड वाले हैकर ने ग्रेनेड करने का भी ट्राई किया, बट यार एक होता है लक भाई, उससे मतलब हमारा यहीं पर लक है भाई, कितना भी मारने का ट्राई करो भाई हम ही जीतेंगे। इसके बाद इन्होंने स्मोक किया तो मैं समझ गया भाई अब मेरे को रश मारना चाहिए, क्योंकि यार इसके 3-4 बंदे तो ऐसे ही मतलब लुटके पड़े हैं, तो यार बंदे मारने हैं इसके सारे पूरे। इसके बाद हमने गाड़ी निकाली और सोचा कि यार अब निकलने का ट्राई करें, और निकल गए भाई, और इन पर देखो कैसे खतरनाक वाली रश मारी है हमने। और इसके बाद भी तुम लोग ना बोलो आगे वाला हैकर है भाई, अभी भी तुम लोग नहीं लग रहा हो कि आगे मैं प्रूफ भी करूंगा इसको मैं, और वही बंदे ने मेरे को डैमेज दिया है। एंड इसके बाद मैं इन सबको स्काउट को पहले मार देता हूँ। और यही में इनका स्क्वाड गया एंड 15 किल हमारे हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक जगह पे रुकता हूँ, वहाँ पे भी हमारी 1v1 होती है और बहुत सारे बंदे होते हैं जिसको मैं मारने वाला हूँ, और टोटल हमारे 18 किल हो जाते हैं। एंड लास्ट जो होता है भाई जो मतलब बंदा मैं छोड़ गया हूँ उसी के साथ ही हमारी फाइट होती है। और देखो भाई, और यहीं में मेरे को गाड़ी रश मारती है भाई, क्या खतरनाक मारा है इस गाड़ी वाले को मैंने। और ये गेम पूरा तबाही में गया, पूरा तबाही वाला सिस्टम। गो क्रोना गो गो गो। और तुम लोग बताओ तबाही गेमप्ले कैसे मारा है, और यार तुम लोग यार शेयर करो किधर भी यार मारो यार, जो भी दोस्त हो उसको भेजो यार, कहो भाई कैसा खेलता है भाई, वॉइस ओवर को छोड़ो बंदा खेलता कैसा है। यही था इसका लास्ट बंदा, और यहाँ पे ये स्क्वाड खत्म एंड 18, और लास्ट हमारे पास होती है 1v1 विद हैकर यार। और तुम लोग देखो कैसे मैंने हैकर को मारा है, और चालाकी से मारा बिल्कुल। अब मैं पहले ऊपर जाता हूँ और बंदे का लोकेशन फाइंड करता हूँ किधर है बंदा पहले।
और पीछे से मेरे को गोली लगी भाई। और यही बंदा था हैकर था भाई। भाई देखो भाई, सिर्फ अभी निकाला नहीं है मतलब उतना डैमेज रहा। फिर मेरा वो एक थोड़ा दिमाग आया क्योंकि यार मैं इधर जा रहा हूँ, उसको पता कि मैं किधर जा रहा हूँ भाई। अब ये इस गाड़ी को ये फोड़ेगा भाई। इसके बाद मेरे को कार 90 मिलेगी, मैं कार 90 से तेरे को पक्का मारूंगा। यार इस गाड़ी बग्गी को मार रहा फिर, और मैं अपना मारने का ट्राई करता हूँ। इसको एक हेड दिया एंड मैंने कहा यार अब इसको रिवाइव कर दो, इसके ऊपर बढ़िया बच जाता है तो इसका लक है। इसके बाद मैंने एक और शॉट दिया, फिर मैं यहाँ से निकला क्योंकि मैंने टाइमिंग देख के फिर मैंने भागने का ट्राई किया भाई। फिर मैं थोड़ा ओपन में आने लगा क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा ये मेरे को थोड़ा चांस दे देना, फिर मैं इसको मार दूंगा। इसके बाद मैं समझ गया भाई इसकी हैश भी बिल्कुल जीरो होगी भाई। निकलो यहाँ से जितना हो सके निकल लो भाई। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा किस तरह मैंने ऐसे हैकर को मारा है। हेलो, मैं हेल्थ का लिया पूरा चक्कर क्योंकि मेरे को पता था ये बंदा मतलब मेरे को अभी भी देखेगा ना भाई, ये उतार देगा गाड़ी से मेरे को। फिर मैंने टाइमिंग दे के इस पेड़ का कवर लिया। अब मैं समझ गया भाई ये अपना रीलोड खत्म करे, इसके बाद मैंने इसको मारा भाई। इसने अपना रीलोड खत्म किया और मैंने इसके ऊपर गोली चला दी। मुझे पता था जब तक इसकी गोली रीलोड पे है ना भाई, मतलब चला रहा है तब तक वो मुझे मार देगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।